जी हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हरियाणा जिले की मौसम की ताज़ा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें, हरियाणा में प्रदेश से मानसून की विदाई 1 अक्टूबर तक संभावित है। सामान्य से 9% अधिक हुई बारिश। जी हाँ, हरियाणा में मानसून की विदाई 1 अक्टूबर तक होने की पूर्ण संभावना है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो प्रदेश में मानसून की विदाई के लिए आने वाले 2 दिनों तक के बाद परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएंगी। उधर एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बिखराव वाली बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई। वहीं हम आपको बता दें, मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार हरियाणा में मानसून ने विदाई से पहले प्रदेश में अपने सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज कराई। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से हरियाणा NCR व दिल्ली में जबरदस्त बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर 100 से 200 मिलीमीटर और उससे अधिक बारिश हुई। 26 सितंबर तक प्रदेश में 465 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान 428 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है। इस तरह प्रदेश में अब तक 9% अधिक बारिश दर्ज की गई। वर्तमान समय में सिर्फ 6 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, सोनीपत व यमुनानगर में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, जबकि शेष 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जिसमें सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व महेंद्रगढ़ जिले में हल्की बिखराव वाली बारिश हुई, जबकि अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ व शुष्क रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। जी हाँ, आगे ऐसा रहेगा मौसम विभाग। वहीं हम आपको बता दें, अगले 24 घंटों के बाद दक्षिण पश्चिम राजस्थान में प्रतिचक्रवात बनेगा, जिसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इससे वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट भी आएगी और साथ ही साथ संपूर्ण इलाके में हल्की ठंड का आगाज होगा। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा खाजूवाला, बीकानेर, जोधपुर व नलिया जिले में होकर गुजर रही। आने वाले दिनों में हरियाणा, NCR व दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। जी हाँ, यदि हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक TR न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, जय हिंद।